पूरा देश और दुनिया इस समय सबसे बड़ी महामारी से संघर्ष कर रहा है। बचाव के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आने के साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार ने परामर्श जारी किया है। इसमें कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए लोगों से घर पर बना मास्क लगाने को कहा है। ये बात खास तौर पर तब जरूरी है जब वे घर से बाहर निकल रहे हैं। चेहरे और मुंह के बचाव के लिए घर में बने सुरक्षा कवर के इस्तेमाल पर परामर्श से सरकार ने कहा कि ऐसे मास्क के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर समुदाय का बचाव होगा। देश में मास्क की कमी ना हो इसके लिए गूंज नाम का एनजीओ भी लोगों के लिए मास्क बनाने का काम कर रहा है। यह एनजीओ एक दिन में कम से कम 1200 लोगों के लिए मास्क बना रहा है, जो 2 लेयर और 3 लेयर का मास्क बना रहा है। जी, इसमें हम बेसिकली जो प्योर कॉटन का जो कपड़ा है, जो हमारे पास नए थान थे, जो नए कपड़े थे कॉटन के, उसका इस्तेमाल किया गया है और इसमें बीच में फ्यूजन का इस्तेमाल किया गया है। जब आप बीच में फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं तो इसे 3 लेयर बोलते हैं, अदरवाइज ये 2 लेयर का भी होता है और ये वॉशेबल भी है, तो हम इसका ख्याल रखते हैं इसी क्वालिटी का। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? हम लोग बड़े पैमाने पर दिल्ली और NCR पर में राशन किट प्रोवाइड कर रहे हैं, फैमिली किट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो हम उसमें मतलब हर फैमिली किट में मास्क ज़रूर देते हैं, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके अलावा अगर कहीं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और अगर हमारे पास है तो हम उसे भी फुलफिल कर रहे हैं। इस NGO का नाम है गूंज, जो इस मुश्किल घड़ी में ज़रूरतमंद लोगों के लिए मास्क बना रहा है, ताकि जो लोग मास्क नहीं खरीद सकते उन लोगों तक ये मास्क पहुंचाया जा सके। Based in Delhi and across a lot of states in India, has come out to help the people and to get the whole mask, get into the whole mask business. They are manufacturing 2 types of masks. One is a 2-layer mask, one is a 3-layer mask. And both of these masks are distributed to people through the representatives of the NGO. Anand Bhatnagar reporting from Ground Zero, New Delhi.